हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अभी मैं इस समय ड्राइव पे निकला हूं। एक्चुअली क्या है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बारिश पड़ रही है रात से ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बारिश वाली राइड हो जाए ट्राइबर में, RXL में। और मैं सोचा कुछ एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा। बारिश में क्या क्या दिक्कत आती है हमें जब भी हम ड्राइव करते हैं तब। उससे पहले थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का। ओहो, बारिश में ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे जितने पेड़ पौधे हैं, धूल मिट्टी है, वो सब धुल चुकी होती है। ये देखिए चारों तरफ रात से बारिश हो रही है, आपको पानी भरा हुआ दिख ही रहा होगा। रोड बिल्कुल साफ़ हो जाती है और काला रंग रोड का, साथ में हरियाली, ऐसा कंट्रास्ट दिखता है। कलर जैसे होता नहीं है, हम फोटो वगैरह एडिट करते हैं तो हमको एक सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे नेचुरल ही कोई सैचुरेशन जो है हमारा वो बढ़ा दिया गया है, और एकदम से बढ़िया बढ़िया हरा हरा रंग दिखने लगता है, बहुत बढ़िया। ये देखो, अभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप देखो ये है यहाँ की खूबसूरती। जो हमारे एरिया है ये फार्मिंग के लिए बहुत फेमस है, पूरे में फार्मिंग आप देख ही रहे हो, साइड्स में हर जगह आपको खेती खेत दिखेंगे। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है या फिर बारिश में हम चलते हैं तो हमारी विंडशील्ड पे आप देखते हो ये भाप जैसी आने लगती है, मॉइस्चर जिसे कहते हैं, और सफ़ेद सफ़ेद सा आ जाता है, जिसे फिर हाथ से पोंछना पड़ता है और ये सब, यानी देखने में बहुत दिक्कत होने लगती है। ये सबके साथ ही होता है, कोई ये नहीं है किसी एक गाड़ी में या दूसरी में, सबके साथ ही ये सब होता है। लेकिन वो आखिर होता क्यों है? जैसे आप ग्लास में पानी डालते हो, ठंडा पानी अगर डालते हो, तो एकदम से क्या होता है, बाहर का जो सरफेस है वो एयर के कॉन्टैक्ट में है, और बाहर गर्मी है, जो ग्लास का सरफेस है वो ठंडा हो चुका है, तो जैसे ही सरफेस के टच में आ रहा है वो कंडेंस हो जा रहा है, और जिससे वो पानी की बूंदें बन जाती हैं। सेम चीज़ होती है यहाँ पर, किस साइड हमारी मॉइस्चर है वो आ रही है। अब जैसे बारिश पड़ रही है तो जो ग्लास है वो हो चुका है ठंडा, तो उससे क्या है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, ग्लास का टेम्परेचर ठंडा, अंदर गर्मी है, इससे अंदर के सरफेस पे जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वो वाले सरफेस में, मतलब अंदर की साइड, ये भाप आने लगती। अभी भी आपको नोटिस होगा, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये, और ये देखा ना, ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है अगर गाड़ी में और लोग बैठे तो इसका इलाज क्या है? देखिए हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली प्रिंसिपल देखना है, ये हुआ किस वजह से और उसका जो रीज़न है, रीज़न को हमें ख़त्म करना है। तो हमें क्या करना है, इसको दूर करने के लिए पोंछो मत, हाथ मत लगाओ उसे, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहोगे। और ये आदत अगर पड़ गई हाथ लगाने वाली, तो सीधा आप सोचोगे नहीं, आप सीधा हाथ मारने लगोगे उस पर, तो वो चीज़ नहीं करनी। हमें क्या करना है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे ख़त्म कर देना, हमें चला देना AC। अब ये देखिए AC मैंने ऑन कर दिया है, हमें जो AC चलाना है वो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए चलाना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ठंडा तो हो ही रहा होगा, तो ज़्यादा ठंड भी ना लग जाए, इसलिए आप एक पॉइंट पे AC चलाइए, जितनी आपको नीड लग रही है, जितने में आप कंफर्टेबल हैं आप उतने में AC चलाइए। अब ये जब तक कैबिन ठंडा होगा तब ये आपका ग्लास जो है वो आपका नॉर्मल हो पाएगा। आपको सडनली ग्लास नॉर्मल करना है तो आप इसे कर दीजिए विंडशील्ड की तरफ। ये देखिए विंडशील्ड की साइड कर दी हमने, आप देखिए देखते ही देखते हमारा ये जो यहाँ मार्क था वो हो गया ख़त्म। देखिए अब जैसे ये ख़त्म हुआ, अब क्या, अगर हम इसे यहीं पर ही करे रहेंगे तो हमारी जो विंडशील्ड है वो, क्योंकि डायरेक्ट हवा AC की यहीं पर आ रही है, जो विंडशील्ड है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि बाहर का बारिश होते हुए भी टेम्परेचर उसे गर्म लगेगा, और उससे क्या है फिर बाहर की साइड भाप जमने लगेगी। हमें ये भी नहीं करना, तो जैसे ही ये हमारी ठंडी हुई अंदर की साइड से टेम्परेचर सेम हुआ, तो हमें इसे फिर से अंदर कैबिन की तरफ कर लेना है। इससे जो विंडशील्ड है उसे तो हमने नॉर्मल कर ही लिया है, अब अंदर का कैबिन का जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा, और उससे एक मेंटेन रहेगा बाहर का और अंदर का टेम्परेचर, और आपकी जो ये मॉइस्चर आ जाता है, भाप आ जाती है, वो सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो हो गई हमारी बात, जो आगे मॉइस्चर आता है विंडशील्ड पे उसकी। अब कई चीज़ें भी हैं देखो जिसे ध्यान रखना पड़ता है हमें। जब बारिश होती है आपको पता है पानी की लेयर एक सरफेस पे रोड पे बन जाती है, तो जिससे हमारा जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमारा बहुत कम हो जाता है, फ्रिक्शन से ही हमारी ग्रिप करते हैं टायर्स रोड पर, एक पानी की जब लेयर बन जाती है, सरफेस बन जाता है, तो उस समय हमारा जो टायर्स की ग्रिप है वो एफिशिएंट नहीं रहती, जिससे हमारी जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है वो हमारा बढ़ जाता है और स्किड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे ABS भी हो, लेकिन बारिश के समय में आपकी स्किड हो सकती है गाड़ी। इसीलिए आपको कंपैरेटिवली अगर आप 80 या 90 पे सूखी रोड पे चलाते हैं तो आप 60 या 70 पे चलाइए, उसको स्पीड को कम करके चलाइए। उसके साथ साथ दूसरी चीज़,
जब हमारे जो रोटर्स हैं, डिस्क प्लेट्स हैं, वो गर्म हो जाती हैं, तो देखिए टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही हम उसमें ब्रेक लगाते हैं एकदम हीट जनरेट होती है और वो सूख जाता है। लेकिन जब हम पानी के अंदर चला रहे होते हैं या पानी में डूबे हुए होते हैं डिस्क, तो उस समय वो सूख नहीं पाते हैं। और वहाँ पर अगर आप पानी भरे हुए में आप चला रहे हैं और आपने सडन ब्रेक मारी उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप नॉर्मली लगाते हैं, तो गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। और रीज़न सेम है, जैसे हमारी रोड और टायर के बीच में एक लेयर बन जाती है, फ्रिक्शन ख़त्म कर देती है, वैसे ही यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी और फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा। यह चीज़ अभी आपको ध्यान रखनी है जब भी बारिश होगी तब। तो यही था एक बारिश वाली राइड में मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ साथ के साथ। सबसे पहला तो यही था कि अब बारिश में चलाने में मज़ा बहुत आता है, जब भी बारिश हो रही हो और धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादा तेज़ नहीं, आराम आराम से चला रहे हो, एक मौसम देखने में और हरियाली देखने में एक अलग ही फील है उसका। तो यही मूड में था कि थोड़ा सा गेड़ी मार लें और साथ के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो भी लोग इससे जूझ रहे होंगे आई होप उनको हेल्प मिली होगी। तो यही था इस वीडियो में, एक छोटा सा वीडियो, ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ी ज्ञान की बातें थी बस। और अगर आपको ये ज्ञान की बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए संस्कारी सुमित फैमिली के साथ। जय हिंद। Need a fan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.